हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेड क्लास प्रायोरिटी। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड्स, जैसे सेट नेम मेथड, गेट नेम मेथड, गेट आईडी मेथड एंड इज अलाइव मेथड विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इंटरव्यू पर्पस, राइट? अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो। मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ आप जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो मल्टी थ्रेडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं थ्रेड क्लास प्रायोरिटी। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड्स। क्लियर है पॉइंट? तो आप क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विथ अ सर्टेन प्रायोरिटी एंड द प्रायोरिटी इज यूज बाय द थ्रेड शेड्यूलर टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच थ्रेड्स आर स्केड्यूल्ड टू रन। क्लियर है पॉइंट? जैसे हमारे पास 4-5 थ्रेड है, हमने क्रिएट किया है। अब इनमें मैंने फर्स्ट थ्रेड को 10 प्रायोरिटी सेट किया है, फिर 9, फिर 8, 7, 6, ऐसे। तो जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, वो प्रोसेसर उसको एलोकेट करेगा। क्लियर एंड पॉइंट? अगर जहाँ दो थ्रेड्स का सेम प्रायोरिटी है तो डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पे, इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना है पहले। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रेड क्लास असाइंस प्रायोरिटीज यूजिंग इंटीजर वैल्यूज रेंज फ्रॉम मीन प्रायोरिटी। देखो मेन 1 होता है, 1 to 10, और डिफॉल्ट इसका 5 होता है। क्लियर है पॉइंट? ये पहले से होता है, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा, मीन प्रायोरिटी आपका 1, नॉर्मल प्रायोरिटी मतलब डिफॉल्ट 5, मैक्स प्रायोरिटी 10 होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब इस चीज को बेसिकली सेट करने के लिए, अगर जहाँ किसी थ्रेड का प्रायोरिटी आपको 9 सेट करना है या 8 सेट करना है, तो उसके लिए यूज होता है सेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है ना? वी कैन सेट द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड यूजिंग द सेट प्रायोरिटी मेथड। क्लियर पॉइंट? ये सिंटेक्स है इसका, ये बेसिकली फाइनल मेथड होता है। नेक्स्ट वन इज, अगर जहाँ किसी का पहले से प्रायोरिटी है किसी थ्रेड का, आपको चेक करना है, तो उसके लिए गेट प्रायोरिटी मेथड यूज होता है। ठीक है, थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स द गेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, विच इज यूज टू रिट्रीव द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड। द गेट प्रायोरिटी मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। द प्रायोरिटी इज एन इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1 to 10। क्लियर पॉइंट? अब ये सिंटेक्स होता है पब्लिक फाइनल इंट एंड देन गेट प्रायोरिटी मेथड। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, हम लोग 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? थ्योरेटिकल तो समझ गए, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास का नेम दे दिया माई थ्रेड। माई थ्रेड एक्सटेंस कर लेते हैं किसको, थ्रेड को। देन इसके अंदर मेथड होता है आपका पब्लिक वॉइड रन मेथड, ठीक है, जो कि प्रीडिफाइंड मेथड है। चलिए अब इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखेंगे। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, और इसका रेफरेंस वेरिएबल मैं चेंज कर दूंगा 2। डन। अब ये चीजें मुझे क्या करना है, इन दोनों थ्रेड का बेसिकली जो पता करना है कि मीन और मैक्स बेसिकली प्रायोरिटी क्या सेट है। ठीक है ना? तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखना है आपको थ्रेड डॉट मीन अंडर स्कोर, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी। देन नेक्स्ट वन मुझे चेक करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, देन थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। चलिए इन दोनों चेक करते हैं। ठीक है ना? इसको बेसिकली हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, तो सीडी डेस्कटॉप पे चलते हैं, और डेस्कटॉप पे भी जावा नाम का फोल्डर है, तो सीडी जावा, देन जावा सी टी एच डॉट
जावा फाइल का नेम है मेरा, ठीक है। चलिए कंपाइल हो गया एंड क्लास का नेम है माई थ्रेड। चल तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन वन और आपका 10 आ रहा है क्या, मैक्स। क्लियर पॉइंट, डन। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 10। अब इसका जो है बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है क्या, डिफॉल्ट फी है ना। क्लियर पॉइंट, तो डिफॉल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट के लिए, यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रेड डॉट एंड नॉर्मल थ्रेड, ठीक है, नॉर्मल थ्रेड नहीं नॉर्मल प्रायोरिटी, और इसका होना चाहिए आपका 5। चलिए देखते हैं, इसको हम यहाँ पे कंपाइल किए, कंपाइल फाइन रन, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। देन एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए हम सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ और इसको भी हटा दिया। क्लियर है पॉइंट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेट करूंगा थ्रेड का प्रायोरिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट कर देता हूँ क्या, इसका प्रायोरिटी सपोज करो मैंने दिया 9 ऐसा कुछ, ठीक है। देन इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ अभी क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ पे T1 डॉट गेट प्रायोरिटी मेथड यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका क्या आता है भाई। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ एक बार, कंपाइल्स फाइन, देखो यहाँ पे 9 आ रहा है। क्लियर है, सेट हो गया। अगर जहाँ मैं इसको यहाँ पे 19 कर देता हूँ तो इस समय एरर आएगा, देखना, क्योंकि 1 से 10 के बीच आप सेट कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे आया इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। क्लियर पॉइंट, सो आप 1 से लेके 10 तक सेट कर सकते हो, ये है आपका, आप सेट भी कर सकते हो किसी का, ठीक है। क्लियर पॉइंट, डन, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखो, अगर जहां मैं क्या करूं यहाँ पे, सबसे पहले डिफॉल्ट वाला प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो डिफॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, इंट टाइप का रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट प्रायोरिटी, ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रेड डॉट T1 डॉट गेट पेरिटी मेथड है ये, तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे गेट किया, उसके बाद गेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखता हूँ T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, सेट करके देखता हूँ सेट प्रायोरिटी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है, डन। चलिए मैक्स प्रायोरिटी हमने क्या किया, इसका सेट कर दिया डिफॉल्ट, एंड देन मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड अपडेट प्रायोरिटी, ठीक है, इक्वल टू T1 डॉट गेट प्रायोरिटी। चलिए ऐसा कुछ किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ अपडेट प्रायोरिटी को। चलिए इस केस में क्या आउटपुट आता है, चलिए देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल होता ही नहीं, कंपाइल फाइन, देखो 1 आ रहा है। ये जो है बेसिकली, ये सबसे पहले डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी क्या है, डिफॉल्ट भी यहाँ पे मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
और यहाँ पे मैंने T1 को प्रिंट करा दिया। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होता है देखते हैं। देखो तो ये तो बेसिकली थ्रेड का नेम, क्योंकि यहाँ तो हमने कोई मेथड यूज ही नहीं किया। चलिए तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट प्रायोरिटी मैंने एक बेसिकली वेरिएबल लिया, उसमें हमने T1.get प्रायोरिटी किया एंड देन T1.set प्रायोरिटी सेट क्या कर दिया हमने यहाँ पे मीन। अगर जहाँ यहाँ पे मैक्स कर दो, चलिए हम मैक्स कर देते हैं। अब मैं फिर से इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट मी चेक। देखो 10 हो गया। ठीक है तो बेसिकली आप ये सेट भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। ठीक है तो किसी भी थ्रेड का जो भी, सपोज करो हम एक प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर ना मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किया है। ठीक है आप किसी थ्रेड को चाहते हो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, उसके लिए आपको थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। जिसका हाई सेट करोगे वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, वो पहले प्रोसेसर एलोकेट कर देगा। क्लियर एंड पॉइंट? तो ये चीजें, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि मेन क्या होता है, मैक्स कितना होता है, डिफॉल्ट कितना होता है, प्रायोरिटी, ये सब पूछा गया है। ठीक है ना तो इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है ना और 1 से 10 के बीच ही आप सेट कर सकते हो प्रायोरिटी। अगर जहाँ आप किसी को 11 दे दोगे तो उस समय आपका एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, इलीगल। ठीक है स्टार्ट इलीगल एक्सेप्शन आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अगर जहां आप 7 दोगे, 9 दोगे, 8 दोगे तो वो चलेगा, क्योंकि 1 से 10 के बीच आप कोई भी सेट कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे अभी जस्ट आपको करके दिखाया है। ठीक है ना जैसे 9 मैंने दिया तो ये चल गया। ठीक है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो प्रायोरिटी। तो इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है तो इसको नोट कर लो यहाँ, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया गेट प्रायोरिटी मेथड सेट और सेट प्रायोरिटी मेथड क्या होता है, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है तो इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।